हेलो एवरीवन, मैं हूँ अंजलि। मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज बहुत अच्छा सा वीडियो, जिसमें हम आपको पैडीक्योर करना बताएंगे, और वो भी इस तरह के पैरों पे जिन पे बहुत जिन भी डेड स्किन, बहुत ज़्यादा डेड स्किन हो, एकदम ब्लैक ब्लैक हो रखा हो, और जिसको अपन टैनिंग बोलते हैं, वो भी बहुत मतलब बहुत ही हाई लेवल के गंदे पैर जो हो रखे हैं, उन पर हम पैडीक्योर करना बताएंगे आपको। और पैडीक्योर के लिए सबसे पहले आपको पैरों को डिप करवाना है गर्म पानी में, जिसमें आपको सॉल्ट डालना है और आपका जो रहता है H2O2 डालना है, और उसमें हल्का शैम्पू डाल के उसमें डिप करवा देना है आपको 15 मिनट्स के लिए। किसी के पैर कुछ ज़्यादा ही गंदे हैं तो आप उसमें हल्का सा एक्टिवेटर भी डाल सकते हो, जिससे कि जो उनकी डेड स्किन है फूल जाए। और उसके बाद आपको 15 to 20 मिनट्स के लिए डिप करवाना है, फिर बाहर निकालना है। उस निकालने बाद में आपको आप जो स्क्रबर है, फुट स्क्रबर जैसे कि आप देख रहे हो जो अभी मैं कर रही हूँ, उससे आपको अच्छे से पूरे हील को बहुत अच्छे से फुट स्क्रबर करना है, जितनी भी डेड स्किन आपकी वो सारी अच्छे से रिमूव हो जाए। और उसके बाद जो पैर के ऊपर के साइड का जो टैन है, उसको प्यूमिंग स्टोन से क्लीन करना है बहुत अच्छे से, जैसे कि पहले जिसको पहले करते थे लोग, जैसे कि मैल के रूप में उसको रिमूव करते, वो ज़रूरी होता है टैनिंग जो अपन बोल रहे हैं। उसके बाद में पुशर करना है, पुशर के बाद में अंदर जो भी क्यूटिकल्स है, जितने भी जैसे आप देख रहे हो मैं क्यूटिकल्स रिमूव कर रही हूँ, नेल्स के चारों तरफ से उसको क्यूटिकल को रिमूव करना है, क्यूटिकल रिमूवर की हेल्प से। उसके बाद फाइलर करना है नेल्स को, फाइलर आपको बहुत अच्छे से बहुत धीरे से करना है। उसके बाद जो हम सेकेंड लेग है उसका भी सेम प्रोसेस करेंगे, नेल्स को कट कर लेना है, पुश कर लेना है, और प्यूमिंग स्टोन से उसका अच्छे से जो टैनिंग है मैल उसको रिमूव करना है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी, जैसे देख रहे हो कितने गंदे पैर हो रहे हैं, एकदम टैन हो रहा है बिल्कुल पैरों पे, तो वो रिमूव करने के बाद में आपको क्यूटिकल्स से पुशर करके क्यूटिकल्स रिमूव कर लेना अच्छे से। उसके बाद जो ये साइड नेल कटर है, इसमें कई बार साइड में से नेल्स रह जाता है, वो हटता नहीं है, तो उसको भी आपको हटा लेना है। उसके बाद से हमने फिर हमारा जो फुट का जो काम था, टूल्स का सारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम स्क्रब कर रहे हैं, स्क्रबर आपको थोड़ा सा अच्छे से करना है, क्योंकि पैर काफ़ी गंदे हो रहे थे, तो आपको स्क्रबर देख रहे हो, आपको स्क्रबर 5 से 6 मिनट तक स्क्रबर अच्छे से करना है स्क्रब, और बहुत हल्के हाथ से करना है स्क्रब को, ज़्यादा रब नहीं करना है, क्योंकि स्क्रब काफ़ी दाने होते थे, रैसेस होने के कई चांस होते हैं, क्योंकि आपने प्यूमिंग किया है, हील्स में स्क्रबर किया है, तो आप थोड़ा सा हल्के हाथ से करो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको बहुत अच्छे से स्क्रब कर लेना है, स्क्रब करने बाद में दोनों पैरों को आपको बहुत अच्छे से पानी से क्लीन कर लेना है, क्लीन करने के बाद में उनको बाहर निकालना है, और उन पर शैम्पू करना है, ब्रश में शैम्पू डाल के उसको अच्छे से पूरे पैर पे आपको शैम्पू करना है, जिससे कि कहीं भी क्यूटिकल्स कुछ भी रह गया हो नेल्स के अंदर, आउटर साइड कहीं पे भी स्क्रब वगैरह कुछ भी, तो वो सब रिमूव हो जाएगा। कुछ गंदगी है जैसे कि कुछ जैसे हील्स में क्रैक्स होते हैं उनमें, तो वो भी सब क्लीन हो जाएगा। उसके बाद आपको वेट टॉवल से उनको क्लीन कर लेना है, उसके बाद आपको क्रीम मसाज करनी है, क्रीम मसाज सिंगल पैर पे आपको 5 मिनट्स करनी है, बहुत बहुत लेग पे आपको दोनों पे 10 मिनट्स मसाज हो जाएगी, और मसाज आपको बहुत धीरे धीरे अच्छे से करना है। लेग पे मसाज थाई पे, लेग पे मसाज आपका जो पैर बैक साइड होता है अपना, जिसको पिंडली बोलते हैं उस पे, और जो जैसे कि आप देख रहे हो मैं जो अपना तलवा उस पे, इस तरह से अच्छे से मसाज करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दुखता है लेडीज़ का, क्योंकि दोनों पैरों पे आप नेल पेंट नहीं, किसी को बहुत ज़्यादा अर्जेंट है कि हमें अभी कहीं जाना है तो आप उनको नेल पेंट अप्लाई कर सकते हो, बाकी नेल पेंट अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि क्यूटिकल्स इनके तो जैसे बहुत ज़्यादा हमने क्यूटिकल्स रिमूव किए तो इनको तो बिल्कुल भी हम इमिटेट नहीं करेंगे, क्योंकि क्यूटिकल्स के पोर्स ओपन हो जाते हैं तो उनमें जो एसीटोन होता है क्यूटिक नेल पेंट का, वो अंदर जाएगा तो आपको नेल्स को डैमेज कर सकता है, तो आपको नेल पेंट इमिडिएट नहीं लगाना है। सेकेंड डे आप उनको बोल सकते हो। तो आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको किसी भी कोई और भी दूसरा वीडियो की आपको जानकारी चाहिए हो, आपको किसी भी तरह की ब्यूटी से रिलेटेड, तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और ये हमारा फाइनल काम हो चुका है, तो फाइनल रिजल्ट देख ली, कितने गंदे पैर थे, तो एकदम हील को हमने बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दिया है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बाय बाय।